Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. I am also doing well. So guys, without wasting time, सबसे पहले तो मैं today's target बना लेती हूँ. So let's begin. सो गाइज़, ये है मेरे आज के टारगेट. सो सबसे पहले तो मैं दो लेक्चर करूँगी इनऑर्गेनिक के, दैन फिजिक्स लेक्चर करूँगी, दैन इकोसिस्टम करूँगी, उसके नोट्स रिवाइज करूँगी, उसके बाद मैं इकोसिस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी. सो या सो गाइज, स्टडी करने से पहले मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी. सो या सो गाइज, मैं अभी इनऑर्गेनिक के लेक्चर कर रही हूँ. सो फर्स्ट लेक्चर है मेरे, तो दो लेक्चर है. सो मैं अभी फर्स्ट लेक्चर कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर करूँगी. सो या सो गाइज, मेरे इनऑर्गेनिक के दोनों लेक्चर हो गए हैं. सो अब मैं करूँगी फिजिक्स के लेक्चर. सो या लेट स्टार्ट. सो गाइज, पी डब्ल्यू बैच में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं. सो बॉटनी के एंड फिजिकल केमिस्ट्री और जूलॉजी के सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं. सो अब मैं उसके रिविज़न स्टार्ट करूँगी. दैन फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक के वन चैप्टर बचे हुए हैं. सो या सो गाइज, इसके साथ मैं 11th के भी रिविज़न कर रही हूँ, बिकॉज मेरे तो सिलेबस कंप्लीट है 11th के, बट मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. सो या सो गाइज, मेरे वन लेक्चर फिजिक्स के कंप्लीट हो गया है. सो गाइज, अब मैं करूँगी इकोसिस्टम चैप्टर के नोट्स रिवाइज. सो एक्चुअली मैं इसके डिटेल नोट्स रिवाइज करूँगी. सो या लेट स्टार्ट. सो गाइज, मेरे बोटनी के नोट्स रिवाइज हो गए हैं. सो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगी. सो या सो गाइज, मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगी. सो मैं भी उसी चैप्टर की, मतलब इकोसिस्टम के चैप्टर की, मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. सो या लेट स्टार्ट. सो गाइज, मेरे रीडिंग हो गए हैं एनसीईआरटी के. एंड गाइज, मैं एक बात बता दूँ, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड भी हैं. सो मैंने उसे नहीं किया. सो आई नो आप लोग को पता होगा, इस चैप्टर के भी बीच में से कुछ टॉपिक रिलेटेड है. सो मैंने वो नहीं पढ़ा. सो या एंड गाइज, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी ज़्यादा रीडिंग करूँगी. मैं जब नोट्स रिवाइज कर लूँगी इनऑर्गेनिक एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी के, मैं ज़्यादा एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी. सो पहले तो मैं उसके नोट्स रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस करूँगी. बिकॉज गाइस, नीट में ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब नोट्स से तो आते ही हैं, बट एनसीईआरटी से ज़्यादा आते हैं. सो एनसीईआरटी इज मस्ट. सो मैं सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से स्टडी करूँगी. सो या सो गाइस, मैं अभी इकोसिस्टम चैप्टर के मॉड्यूल सॉल्व कर रही हूँ. सो या सो गाइज, मेरे इकोसिस्टम चैप्टर के मॉड्यूल सॉल्व हो गए हैं. सो आज के मेरे सारे टारगेट भी पूरे हो गए हैं. सो गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.